In this chapter, Nazism and Rise of Hitler, I will discuss with you Nazi propaganda. Nazi propaganda means how he created hatred for Jews in the minds of German people. यानी कि हिटलर और उसकी पार्टी नाजी पार्टी जो थी इन्होंने जर्मन के लोगों के मन में जूस के लिए इतनी ज्यादा जो है वो हेट्रेड या नफरत स्प्रेड कर दी थी कि हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के लोग जो हिटलर सोचता था वही वो उनके बारे में सोचते थे। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है कि कैसे हिटलर ने जूस के लिए जर्मन के लोगों के मन में जो है वो फीलिंग ऑफ हेट्रेड जो है वो स्प्रेड की। ठीक है, नाजी पॉलिसी इन क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर जूस, नाजी पॉलिसी इन क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर जूश पीपल। नंबर वन, ये तो आपको मैंने करवाया हुआ है, लेकिन अब आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस जो है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग सभी पॉइंट्स को ना एक बार फिर से याद करो। किलर्स और क्राइस्ट, किलर्स ऑफ क्राइस्ट, इनको क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि सभी क्रिश्चियन जो है वो इनको इसलिए हेट करें बिकॉज दे आर किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था। और इनको क्या बताया गया, फ्यूरर्स, फ्यूरर्स का मतलब क्या होता है, मनी लैंडर्स, मनी माइंड पीपल, जो मनी के लिए कुछ भी कर सकते। तो इनको उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या है, फ्यूरर्स, मनी लैंडर्स, और इसीलिए ये क्या थे, वर्स्ट सफरर, सबसे ज्यादा इनको तंग किया, वर्स्ट सफरर, इनको इनकी कम्युनिटीज को अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया। इनके लिए इसको इसने क्या कहा कि ये क्या है, प्रॉब्लम, इंफेक्शन है। जो इसको उसने क्या किया, उसने कहा कि ये इंफेक्शन है और इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज टोटल एलिमिनेशन। टोटल एलिमिनेशन का मतलब होता है उनको मार देना, है ना। तो ये इसीलिए ऐसी कुछ पॉलिसीज जो बनाकर इसने हिटलर ने अपनी पार्टी और बाकी जर्मन के लोगों को भी जूस के अगेंस्ट कर दिया, ताकि हिटलर जो भी कर रहा है ना बाकी लोग भी इसको सपोर्ट करें। ठीक है, सेकंड थ्योरीज, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, थ्योरीज ऑफ डार्विन एंड स्पेंसर, डार्विन एंड स्पेंसर। क्या कहा था डार्विन एंड स्पेंसर ने, नेचुरल सिलेक्शन, इन्होंने कहा था प्लांट्स और एनिमल्स को नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो है उनका नंबर जो है वो बढ़ाना चाहिए, जिन प्लांट्स का यूज है, जो एनिमल्स की स्पीशीज जो है, तो उनका ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए। इसको थ्योरी को हिटलर ने अपना पार्ट बनाकर जर्मन के लोगों को ये कहा कि आपकी रेस बेस्ट है, आपकी रेस को ही आगे बढ़ना चाहिए, बाकी रेसेस जो है अनडिजायरेबल, इनको या तो कंट्री से निकाल दिया जाए या फिर इन इन रेसेस को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि ये वर्ल्ड में आकर जाकर प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। ठीक है, फिर और उसने क्या किया, बच्चों के मन में कैसे हेट्रेड स्प्रेड की, उसको करने के लिए उसने पता क्या किया, ही कंट्रोल ऑन एजुकेशन, कंट्रोल ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कंट्रोल कैसे किया उसने, स्कूल लेवल, सबसे पहले तो उसने क्या किया, जूश टीचर्स उनको डिसमिस कर दिया गया, जूश टीचर्स मेन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही क्या है कि बच्चों के मन में या लोगों के मन में जूश को के लिए अगेंस्ट कैसे किया, तो हमने स्कूल लेवल से बताना है कि सबसे पहले जूश टीचर्स को डिसमिस कर दिया गया, फिर जूश बच्चों को अलग कर दिया गया, अलग मतलब कि स्कूल से पहले पहले तो अलग किया गया और बाद में स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, इसके बाद फिर हमने ये बताना है कि नेक्स्ट उसने एजुकेशन पे कंट्रोल करने के लिए सिलेबस में रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस कर दी, नया सब्जेक्ट रेशियल साइंस, जिसमें बच्चे ये पढ़ें कि प्योर रेस कैसे होती है, और जो बच्चे नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के हैं वो अपनी रेस को प्योर कैसे कर सकते, नॉट टू कीप एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद अदर। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, वॉर पॉलिसी, ताकि बच्चे जो हैं एग्रेसिव, बच्चे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहें, गेम्स, बॉक्सिंग, बच्चों को हमेशा लड़ना, ताकि वो जूश के साथ हमेशा जो है वो अपने मन में जो है वो हेट्रेड की फीलिंग रखे। ठीक है, एंड इसके अलावा उसने क्या किया, टेक्स्ट बुक जो थी सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स में
मॉक, मॉकिंग, मॉकिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मॉकिंग, जूश इमेजेस, कार्टून्स, जूश जो है उनके कार्टून्स बनाए, उनको बड़े बड़े मनी बैग्स के ऊपर बिठाया दिखाया गया ताकि बच्चे बुक्स में पढ़ें, और वो शुरू से जो सोचेंगे जूश के बारे में बड़े होकर वो वही सोचेंगे, है ना। और इस तरह से मनी बैग्स पे बैठा दिखाया, पॉइंटेड नोज दिखाई, उनका मजाक उड़ाया गया ताकि बच्चे जो हैं उनका मजाक उड़ाएं, उनको हेट करें और इस तरह से सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि जो हिटलर सोचता था वही नाजी पार्टी सोचती थी, और जो नाजी पार्टी सोचती थी वही वो चाहता था कि जर्मन के लोग भी वैसा ही सोचें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, और उसने क्या किया, यूज ऑफ प्रेस एंड रेडियो, यूज ऑफ प्रेस रेडियो, ठीक है, न्यूज़पेपर, या हम ये भी कह सकते हैं मीडिया, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े जो हैं वो आर्टिकल्स ज्यूइश के लिए लिखे जाते थे, उनकी रेसेस के बारे में, उनकी स्टोरीज, ओल्ड स्टोरीज, ताकि लोग उनके बारे में पढ़े, उनको रैट्स, पेस्ट, इन्फेक्शन जो है वो ऐसा डिक्लेयर किया गया ताकि लोग उनको उनको एज ए इन्फेक्शन माने सोसाइटी में। देन उनकी इमेजेस बनाकर पोस्टर्स जो है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते थे ताकि लोग हर स्ट्रीट में, हर एरिया में उनके पोस्टर्स देखें कि कैसे उनका मजाक उड़ाया गया, ठीक है। देन मूवीज, इटर्नल व्यूज, एक मूवी बनाई उस टाइम पीरियड में जिसमें ज्यूइश को नेगेटिव, इनकी नेगेटिव इमेजेस दिखाई गई, ठीक है, उनको विलेन दिखाया गया उसमें ताकि लोग उनको देखकर उनको हेट करें, बच्चे उनको देखकर उनको हेट करें, ठीक है। मीडिया के द्वारा उसने बहुत से नए नए वर्ड्स, नए नए, जैसे टोटल एलिमिनेशन, टोटल सॉल्यूशन, डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन, ऐसे बहुत से वर्ड्स यूज किए, लेकिन उसने किलिंग और मर्डर कहीं नहीं यूज किया, ठीक है। उसने इसको रिलीजियस बना दिया, रिलीजियस का मतलब क्या होता है कि ये रिलीजन के लिए बहुत जरूरी है, क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत जरूरी है, तो उसने उसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। देन और उसने क्या किया, ज्यूइश के अगेंस्ट लोगों को करने के लिए, विमेन को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता था फॉर विमेन। इसमें क्या था, दे हैड टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ रेस, प्योरिटी ऑफ रेस, कैसे, नॉट टू कीप एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद ज्यूइश एंड एनी अदर, नॉट टू मैरी, और अगर कोई ऐसा करता था तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। पनिशमेंट कैसे, शेव देयर हेड, ब्लैकन देयर फेस, हैंगिंग प्ले कार्ड इन फ्रंट ऑफ, एंड द लैंग्वेज रिटन ऑन दिस वॉज, आई हैव सलीड द नेशन ऑफ माई कंट्री, आई हैव सलीड द रिस्पेक्ट ऑफ, आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ माई कंट्री, मैंने अपनी कंट्री, मैंने अपना नेशन, मैंने अपने ऑनर को जो है वो डिस्ट्रॉय किया, ऐसी ऐसी वर्डिंग्स लिखकर उनको पूरी कंट्री, पूरे एरिया में, या उनकी पिक्चर्स या उनके पोस्टर्स लगाकर जो है वो पब्लिसिटी की जाती थी, ताकि लोगों को, बाकियों को लेसन मिले, और जो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती थी उनको अवार्ड दिए जाते थे, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। एंड हिटलर ही प्रेफर्ड बॉयज, सो मदर हैविंग मोर देन टू और थ्री बॉयज, दे वर गिवन अवार्ड्स। तो बट दीज बॉयज फिजिकली फिट होने चाहिए, डिसेबल और मेंटली चैलेंज ना हो। तो एट दैट टाइम दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज वर इम्प्लीमेंटेड बाय हिटलर टू क्रिएट हेट्रेड इन द माइंड्स ऑफ जर्मन पीपल फॉर जूस, ठीक है। अदर देन दिस आपने ये भी बताना है उसका नेगेटिव, यानी कि हिटलर ने कुछ नेगेटिव, ठीक है, इसमें आप बताओगे स्टेप्स टू डेथ, एक्स्ट्रा और पॉइंट आप बता सकते हो स्टेप्स टू डेथ, सिर्फ ज्यूइश ही नहीं बाकियों के लिए भी उसने बहुत से स्टेप्स टू डेथ जो है उसके बड़े, जिसे हम कहते हैं कि उसने इसको बहुत हार्शली इंप्लीमेंट किया, एक्सक्लूजन ये उसने पर्टिकुलर हमें कह सकते हैं कि 1933 से लेकर 1939 तक ऐसा किया, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू हुई। एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड, यानी कि ज्यूइश को
एक्सक्लूड कर देना सोसाइटी से, बाहर निकाल देना, अलग एरियाज में भेज देना। और ये अलग एरियाज कौन से अलग एरियाज, इनको क्या कहा गया, घेटोज। उनको क्या कहते थे, घेटोइजेशन। ये उसने कब करना शुरू किया, 1940 onwards, घेटोज, अलग अलग घेटोज बना दिए, अनहाइजेनिक एरियाज, सेपरेटली मार्क्ड एरियाज फॉर ज्यूइश। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था, एनिहिलेशन। ये अल्टीमेटली उसने ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, मतलब 1941 onward, एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है, फाइनल डेथ या फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन कह लो, टोटल एलिमिनेशन। जिन लोगों को घेटोज में बंद किया गया था उन लोगों को एनिहिलेट करना, एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, मास किलिंग ऑपरेशन। मास का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल, किलिंग ऑपरेशंस, ठीक है, मास किलिंग ऑपरेशंस, एनिहिलेशन। और इसके लिए उसने बहुत सी टर्म्स जो मैंने आपको बताया था, टर्म्स उसने कभी भी किलिंग और मर्डर वर्ड यूज नहीं किया, जैसे जेनोसाइड का मतलब होता है टू किल रेस, किसी एक रेस को ही खत्म कर देना। जेनोसाइड का मतलब होता है टू किल, मास किलिंग ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ये भी कह सकते हैं मास किलिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जब किसी को रेस के बेस के ऊपर मारा जाता है उसको बोलते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट इज ऑशविट्ज़। जर्मनी में बहुत से ऐसे सेंटर्स थे जिन सेंटर्स में ज्यूइश को रखा जाता था मारने के लिए, उनको बोलते थे ऑशविट्ज़ सेंटर्स। उन सेंटर्स के ऊपर ऑशविट्ज़ लिखा जाता था, ऑशविट्ज़ का मतलब जहां पे ज्यूइश को कैद किया गया, इम्प्रिजन किया गया है, डिटेन किया गया, कैप्चर किया गया, टॉर्चर चैम्बर्स। उन टॉर्चर चैम्बर्स का नाम क्या होता था, ऑशविट्ज़। किलिंग सेंटर्स होते थे, साइंटिफिक नेम दिया ऑशविट्ज़। देन यूथनीजिया, यूथनीजिया का मतलब होता है डिसेबल्ड को मारने का प्रोसेस, टू किल डिसेबल पीपल। डिसेबल या फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते थे उनको मारने के प्रोसेस को क्या बोलते थे, यूथनीजिया। देन इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है, सपोज नाजी पार्टी ने किसी ग्रुप को ऑर्डर दिया है कि इनको इवैक्यूएट कर दो, इवैक्यूएट मतलब कि उनको कहां पे लेकर जाना, गैस चैम्बर्स, टू मूव इनटू गैस चैम्बर्स। ऐसे वर्ड्स उसने यूज किए ज्यूइश को मारने के लिए। ऑशविट्स का मतलब किलिंग सेंटर्स, यूथनेजिया का मतलब फिजिकली जो डिसेबल थे उनको मारने के लिए जो प्रोसेस था, इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता था, गैस चैम्बर्स में लोगों को लेकर जाना, वहां पे मार देना। और ये स्टेप्स अलग अलग, एक्सक्लूजन, घेटोइजेशन, एनिहिलेशन, तो इस तरह की टर्म्स उसने जो है वो लोगों को मारने के लिए यूज की, ठीक है। बाकी यूथ के ऊपर उसने कैसे कंट्रोल किया बेटा, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ, यूथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यंग वॉक, हिटलर यूथ, लेबर सर्विस, जिसमें सभी बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी की जाती थी, ताकि वो बच्चे नहीं बल्कि अपनी कंट्री में क्या चाहता था, सोल्जर्स। उसका ये मानना था कि जब भी वॉर होगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब नंबर ऑफ सोल्जर्स कम हो जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फिर चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, चाहे लॉयर है, उन सभी लोगों को वॉर या जिसे हम कहते हैं कि वेपन्स की नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम इट वॉज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वन टू गेट मिलिट्री ट्रेनिंग। और इसके लिए उसने बच्चों को जो है वो स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल के ऊपर ही प्रिपेयर किया।
ठीक है। इसके बाद बच्चे हॉलोकास्ट, हॉलोकास्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में हिटलर ने, जिस टाइम पीरियड में हिटलर वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाजी पार्टी सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाहर लड़ रही थी और अंदर ही उसकी पार्टी यानी कि हिटलर ने अंदर ज्यूइश को मारने के लिए हॉलोकास्ट को ऑर्डर दिया। हॉलोकास्ट का मतलब क्या होता है? नाजी किलिंग ऑपरेशन, इसको भी नाजी किलिंग ऑपरेशन ही कहते हैं। हॉलोकास्ट मीन्स नाजी किलिंग ऑपरेशंस। आपको पता होना चाहिए कि हॉलोकास्ट जो है वो कब हुआ? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी। जब हिटलर को ये लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बाकी कंट्रीज पे अटैक कर रहा है एंड वन बाय वन अदर कंट्रीज गॉट डिफीटेड लाइक हिज जो उसकी अपनी ग्रुप था उसका इटली जापान, उस टाइम पीरियड में हिटलर को ये लगा कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर अगर नहीं रहेगा या कुछ भी होगा उसके साथ, तो कंट्री में जितने भी ऑशविट्स सेंटर्स है ना, उनमें जिन भी लोगों को प्रिजनर्स या डिटेन किया गया है वो लोग बचने नहीं चाहिए। और इसलिए उसने क्या किया? उन सभी को मारने का ऑर्डर दे। आपको पता है उस टाइम पीरियड में बड़े बड़े ऑशविट्स सेंटर्स जो थे उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उनको जला दिया गया और उनके अंदर लोगों को भी जला दिया गया। और बहुत सी फैमिलीज जो है उस टाइम पीरियड में इस तरह से हॉलोकास्ट जो उन्होंने फेस किया, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में लोगों का बचना बहुत मुश्किल था। बट यू नो स्टिल सम पीपल दे ट्राई टू एस्केप, और उन लोगों ने बाद में अपनी बुक्स लिखी हैं, कुछ डायरीज लिखी हैं, जिनके बेसिस के ऊपर आज भी जब हम उस टाइम को पढ़ते हैं और उस जगह, इवन आप जर्मनी में जाओगे ना, अगर आपने जर्मनी में कभी भी जाओगे या इवन आप कभी भी जर्मनी के उन एरियाज को अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज भी देखते हो ना, तो उन एरियाज को जर्मन गवर्नमेंट ने आज भी म्यूजियम बनाकर रखा। यानी कि आप ये सोचो कि जहां पे हॉलोकास्ट हुआ ऑशविट्स सेंटर्स, जर्मन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उन एरियाज को डेवलप या वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जाए, मॉल्स बनाई जाए, क्योंकि वहां पर उन लोगों के साथ इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज हुई थी। कुछ एरियाज ऐसे, उन एरियाज को आज भी थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि डेवलप करके प्रॉपर उनको म्यूजियम्स की तरह रखा गया, ताकि आज भी जब लोग वहां पे जाएं तो वो उस कंसर्न को फील करें जो शायद उस टाइम पीरियड के लोगों के साथ हुआ होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिन चीजों के बेसिस के ऊपर हमें उस टाइम का पता लगा। लाइक बच्चे आपकी बुक में ना एक कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे मिल्क कैन, ये ना बच्चे एक मिल्क कैन है, इस मिल्क कैन में क्या था? मिल्क कैन, ये एक ऐसा मिल्क कैन ऑशविट्स सेंटर्स के नीचे से मिला है। नीचे मतलब जिस टाइम पीरियड में लोगों को मारने के लिए या जलाने के लिए लेकर गए होंगे, या मतलब ऑशविट्स डेथ फैक्ट्रीज में लेकर गए होंगे, तो कई लोग ना छुपकर डायरीज लिखते थे, और उन्होंने क्या किया, ऐसे एक मिल्क कैन में सभी डायरीज अपनी अपनी डायरीज को रख दिया और उस मिल्क कैन को ना मिट्टी में दबा दिया। बाद में जब उस सेंटर को जला दिया गया और उस एरिया को जब साफ किया गया तो कुछ ऐसे मिल्क कैंस मिले, तो जिन मिल्क कैंस में उस टाइम के लोगों की डायरीज जो है वो मिली, जो उन्होंने उस टाइम पर में लिखी होंगी, और वो लोग चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड को वो ये बता सके कि उन्होंने क्या क्या फेस किया, ठीक है। तो ऐसी बहुत से जो है वो उस टाइम के जो सिंबल्स, जो बहुत सी डायरीज या बुक्स जो है उस टाइम की लिखी गई हैं, जिसमें उन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लोगों का जो पेन है, जो उन्होंने उस टाइम पीरियड में फेस किया ना, वो सारा दिखाया गया है। सो दिस इज द नॉलेज ऑफ हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट का मतलब होता है नाजी किलिंग ऑपरेशंस, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मास, इवन ज्यूइश, दे वर टॉर्चर्ड एंड दे वर डिटेन्ड। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब होता है टोटल एलिमिनेटेड, बट सम वर एबल टू एस्केप, कुछ लोग बचे, उनकी फैमिलीज बची और उन्होंने फिर बाद में डायरीज वगैरह लिखकर उस टाइम के बारे में बताया, ठीक है, हॉलोकास्ट, ठीक है। एंड बाद में जब आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गई, जब विनर कंट्री जर्मनी में गई, तो जर्मनी में उन्होंने लोगों का वो हाल देखा कि ऑशविट्स सेंटर्स या घेटोज जो थे वो क्या उनका, और इवन नाजी पार्टी के जो सोल्जर्स थे, न्यूरनबर्ग ट्रिब्यूनल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया उन लोगों को पनिश करने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कोर्ट, जैसे हमारी इंडिया में है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबल जो है वो माना गया, उनके लिए एक कोर्ट, काइंड ऑफ कोर्ट बनाया गया, जिसको बोलते हैं न्यूरनबर्ग ट्रिब्यूनल।
न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल, यानी कि एक ऐसा कोर्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो भी रिस्पॉन्सिबल विक्टिम्स थे उनको पनिश करने के लिए. तो बाद में नाजी पार्टी के भी 11-12 जो मेंबर्स थे उनको पकड़ा गया और उनको पनिश किया गया, क्योंकि उन लोगों ने अपनी कंट्री में क्या किया था, हॉलोकॉस्ट. बाकी हिटलर का क्या हुआ ये तो आप सब जानते ही हो. हिटलर ही कमिटेड सुसाइड अंडर द बर्लिन बंकर विद हिज सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स बिकॉज ही वाज स्केयर्ड बिकॉज आफ्टर द डिफीटिंग इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ हिटलर अगर वो जिंदा रहेगा. तो दैट्स व्हाई ही कमिटेड सुसाइड एंड दिस वाज द एंड ऑफ द ग्रेट डिक्टेटर ऑफ द सेंचुरी, जिसको सेंचुरी का सबसे बड़ा डिक्टेटर कहा जाता है. दैट वाज द एंड ऑफ द डिक्टेटर. क्लियर? सो इसके बाद हाँ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं साइड बाय साइड यू हैव टू डू. ठीक है बच्चे, एनी डाउट?